बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का एक वायरल वीडियो था, आपने देखा होगा, बहुत जगह वायरल हो रहा था, हमने भी वो वीडियो दिखाया था। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और अन्य अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वीडियो में छेड़छाड़ करके छवि धूमिल करने की धाराओं में एफआईआर लिखी गई है। एमएलए अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने इस बात की शिकायत की। साइबर सेल मामले की जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, एफआईआर दर्ज भी करा दी गई है, चूंकि बीजेपी प्रत्याशी का एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें वो मौलाना को किस करते हुए दिखाई, जरा दिखाई, ये वीडियो दिखाइए तो ये किस कर रहे हैं, एक मौलाना को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में छेड़छाड़ कर छवि धूमिल करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एमएलए अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने यह शिकायत की है। और थोड़ी देर में हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार होंगे इस खबर में। देखिए, इस खबर में रिपोर्ट में क्या लिखा है, पुलिस ने किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि बहुत सारी अब तो धाराएं बदल गई हैं, आप भी जानते हैं, एकदम नए सिरे से भारतीय दंड संहिता हो गई है। तो क्या एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र है, ये पूछेंगे। और बीजेपी को ऑब्जेक्शन क्या है, जो किस करते हुए सुनील सोनी दिख रहे हैं एक मौलाना को, क्या वो एडिटेड वीडियो है, चूंकि IBC 24 ने कल ही बताया था हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, ये वायरल हो रहा है इसलिए हम दिखा रहे थे। तो सौरभ हमें दिख गए हैं। सौरभ, एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र है, ये पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या ये भी एफआईआर में जिक्र है कि जो किस कर रहे हैं सुनील सोनी एक मौलाना को, वो एडिटेड है, ऐसा वो कर नहीं रहे थे? बिल्कुल, देखिए, भाजपा के प्रत्याशी हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा से सुनील सोनी, उनका एक वीडियो कल वायरल होता है और उस पर कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं वो बयान देते हैं और उसके बाद जो है पूरा मामला सामने आता है और ऑफिशियल जो PCC के ऑफिशियल व्हाट्सएप है उस पर भी जो है वीडियो को पोस्ट किया जाता है और उसी से बीजेपी के नेता नाराज होते हैं और सिविल लाइन थाने में कल शिकायत करते हैं और आज FIR दर्ज हो गई है जो मीडिया प्रभारी है और अन्य के खिलाफ। पूरी तरीके से मामले की जांच कर रही है कि क्या वीडियो जो है कहां से आया, उसके अलावा क्या वीडियो ऐसा तो नहीं कि कोई एडिटेड वीडियो हो, क्योंकि आज के समय में AI के कारण और अन्य माध्यमों के कारण जो हो सकता है एडिटेड भी बनाया जाया हो। तो कुल मिलाकर पूरे मामले की अब जो है जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था बृजमोहन अग्रवाल का एक वीडियो आया था। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अभी चुनाव भी है ना, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि आप तो बड़े ग्राउंड वाले रिपोर्टर हैं, ये बताइए कि ऑब्जेक्शन क्या है, FIR में लिखा क्या है, FIR में दर्ज क्या है, छवि धूमिल, चूंकि अभी आप कह रहे हैं कि हो सकता है ये एडिटेड हो, चूंकि अब ये जनता जानना चाहती है ना रायपुर दक्षिण की, कि सुनील सोनी वाकई मौलाना को किस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, एडिटेड वीडियो है या नहीं वीडियो है, ये तो क्लियर होना चाहिए ना उनके सामने। तो FIR में क्या जिक्र है वो बताइए, पुरानी बात तो हम लोग थोड़ी देर किनारे रख देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने और FIR में यही बात कही गई है कि कांग्रेस के प्रभारी जो मीडिया प्रभारी है उनके द्वारा वीडियो पोस्ट किया जाता है, उनके द्वारा जो बयान दिया जाता है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुनील सोनी उनके छवि को जो है धूमिल करने की कोशिश की गई है। केवल यही जो है वर्डिंग है पूरे उनके FIR की कापी में और शिकायत में और इसी के आधार पर जो पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर वीडियो कहाँ से आया, बयान किस तरीके से दिए, तो सारे मामलों की जो है पूरी छानबीन की जा रही है। आने वाले समय में देखिएगा कि और किस तरीके से जब पुलिस आगे बढ़ती है तो कौन और सामने आते हैं, तो पूरे मामला भी जांच में है। धन्यवाद सौरभ इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता सौरभ ने कहा कि छवि जो है वो धूमिल करने की कोशिश है, ये FIR में जिक्र है, लेकिन FIR जनता जानना चाहती है, पता है सुनील सोनी वाकई मौलाना को किस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये सवाल है ना।